हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मोहिनी किचन में। और आज हमने बनाया है जो पोहे और मटर का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता, बहुत ही कम मेहनत और कम खर्चे में बनकर जो तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट के। जब भी कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। समोसा कचौरी से कहीं ज़्यादा जो टेस्टी है, वो तो बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो इसको बनाना हम करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, आज हम पोहे और मटर का नाश्ता बना रहे हैं। इसके लिए मैंने जो एक कटोरी पोहा लिया है, पोहे को इस बाउल में डालकर हम अच्छे तरह से पानी से धो लेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें कोई डस्ट वगैरह होगी तो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। और पानी डाल के हल्के हाथों से इसको हम साफ कर लेंगे और इसका सारा पानी हम जी ड्रेन कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी इसके बीच नहीं रहना चाहिए। और तो देखो इस तरह से साफ़ कर लिया, पानी नहीं है और भी इससे ही बहुत ये सॉफ्ट हो जाता है। और जो मटर लिए हैं एक कटोरी, और मटर को भी अच्छी तरह से धोकर मिक्सी ग्राइंडिंग जार में इसको ग्रेंड कर लेंगे। ग्रेंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हम नाश्ते के लिए, जब कुछ खाने का मन ना करे। मटर जैसे बेमौसम मटर खाने का मन नहीं करता, तो इस तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, सबको बहुत पसंद आता है। और इस तरह से हम बाउल में डालेंगे इसको, वो नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे बहुत ही जल्दी बिना झंझट के। और जे मैंने 2 चम्मच लिया है जे चावल का आटा है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और बहुत ही खस्ता नाश्ता बनता है। और 1 चम्मच डाल दिया है इसमें मैंने जे भुना जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया है जे चिली फ्लेक्स, और जे 2 छोटे चम्मच डाल दिए मैंने सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक डालिए स्वाद के लिए, और 2 छोटे चम्मच ये आमचूर पाउडर डाल लिया। आप इस चाट मसाला भी डाल सकते हो, बहुत ही चटपटा नाश्ता बनता है इसे। और हल्के हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट सॉफ्ट इसका डो लगा लेंगे, जिससे सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा जो नाश्ता बने वो बहुत ही जल्दी जो नाश्ता बन के तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट और बिना किसी खर्चे के। और 1 चम्मच डाल दिया इसमें मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है इससे। इसको डालकर हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सॉफ्ट डो देखो मैंने जो लगा लिया है इसका, और हाथों को थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे बहुत आसानी से हमारा नाश्ता बन जाएगा। और रोटी जैसा हम ये इतना सा ले लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे गोल गोल करके हथेलियों से इसको थोड़ा सा दबा देंगे, बस इतना ही। बहुत देखो आसानी से बन जाता है। और दूसरा एक और बना कर दिखाते हैं। इस तरह से हम इसको दबा के देखो हथेलियों के बीच बना लिया। कोई भी शेप दे सकते हो, मैं इसको ये टिक्की शेप्स में बना रही हूँ। सभी नाश्ता बना लिया है। और इसको फ्राई करने के लिए मैंने तेल रखा है, तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। एक एक करके हम इसको फ्राई कर लेंगे, जब नीचे से जो सिक जाए तो इसको हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। आलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे, वो बहुत ही जल्दी नाश्ता जो तैयार हो जाता है। लो टू मीडियम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब भी कुछ खाने का मन करे चटपटा सा, तो इस तरह से आप बनाकर फैमिली के साथ खा जो ले सकते हो। गर्मा गर्म जो पोहे और मटर का नाश्ता, इस तरह से हम देखो सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और चाय चटनी के साथ किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। और अच्छी लगे आपको हमारी ये रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट करना। और मिलते हैं ऐसी और न्यू रेसिपी के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।